तो ये जो ब्लॉग आप देखेंगे ना, ये थोड़ा सा 3-4 दिन का शूट किया हुआ है, क्योंकि बीच में थोड़ी सी रूहान की तबीयत थोड़ा सा हल्की सी नासाज थी, क्योंकि उसको टीथिंग हो रहा है ना, तो उसको फीवर मोशन वगैरह थे, तो मैं प्रॉपर एक गो में शूट नहीं कर पाया, तो 3-4 दिन का है, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है? चले गए, खोलो तो सही, तो खोल। बनाती है। so cute. अच्छा वो फोटो जो था ना, वो क्या काय काय का बना है ये? ये क्ले है। अच्छा क्ले का। कितना अच्छा है। रुहान देखो, की एंगेजमेंट पे जा रहे थे, याद है? याद है। बहुत अच्छा है, मस्त है, बहुत क्यूट है, मस्त लग रहा है। बहुत प्यारा। थैंक यू। थैंक यू बोलो। रुहान से थैंक यू। थैंक यू। और आज यानी कि 7 अप्रैल हमारी सोसाइटी में 27th रोज़ा था उस दिन। हमारी सोसाइटी में सब ने मिलकर एक रोज़ा इफ्तार का जो है वो प्लान किया हुआ था, तो मैं और रेहान वहीं पे जा रहे थे। अम्मी पहले से वहाँ पे जा चुकी थी, आई थिंक पहली बार जब से मैं सोसाइटी में आया हूँ पहली बार ऐसा कोई इवेंट इस तरीके का यहाँ पे हुआ है कि सब इफ्तार साथ में कर रहे हैं। इससे पहले हुए हैं लेकिन ऐसे सोसाइटी में इतना बड़ा नहीं हुआ है, सब एक दूसरे से इंडिविजुअल घरों पर जाके करते थे, तो ये पहली बार, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था सबने। तो आज पापा के रूम का वाईफाई जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो पापा थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहे हैं क्योंकि उनका शाम का टाइम होता है, नहीं इफ्तार के बाद उनका टाइम होता है कि ब्लॉग देखते हो खोल के। एक्चुअली उनके पूरे दिन का ना शेड्यूल बैठा हुआ है, तो उनके पूरे दिन का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज दैट टीवी, तो वो यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो वो बहुत बड़ा, वो हाँ जी, वो अभी जाएंगे वॉक करेंगे इफ्तार के बाद, फिर वो आराम से बैठ के जो भी हम लोग ब्लॉग जो है पोस्ट करते हैं, मैं दीपिका सबा, तो वो देखते हैं। एनीवेज गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज कर रहा हूँ मैं स्टार्ट ब्लॉग, आज है 28वां रोज़ा। बाय द वे कल मैंने आपको बोला था लाइक पिछले ब्लॉग में कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा कुरान पाक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो यस 27वीं शब को कल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल हो गया। और पिछले बार जो है वो नहीं हो पाया था क्योंकि पिछली बार मैं शूट कर रहा था, रुहान सो रहा है यहाँ पे, बस वहाँ पे तकिया वकिया लगा दिया है ना ताकि वो करवट ले तो भी कोई सेफ रहे। पिछले बार पापा आ रहा है वाईफाई वाला, ठीक है अभी आ जाएगा। तो पिछले बार मेरा कुरान शरीफ मुकम्मल नहीं हो पाया था, पूरी तरीके से मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं शूट कर रहा था, है ना, खाला और उन्हें आके कुछ पानी, हाँ, तो मैंने कुछ 20-22 के आसपास हुए थे, लास्ट में जो कम थे वो अम्मी ने और राजा खाला ने उसको पढ़वा के मुकम्मल करवा दिया था ताकि अगर किसी को बख्शना है तो हम बख्श सकें। बट इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पूरा अच्छे से और सही टाइम पे, जैसे मैं हमेशा करता हूँ 27वीं शब पे, वो मैंने कर दिया। इससे पहले आपने क्लिप्स देखी कल किस तरीके से हमारे सोसाइटी में पूरा जो है इफ्तार का प्रोग्राम था, तो वहाँ गया था। और उसके बाद फिर मैं एक जगह काम से चला गया था, रात में 2:30 बजे आया, एंड देन उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया उस चीज़ को, ये ने इसने आधे घंटे दरवाज़ा नहीं खोला मेरा। एनी वेज आवे जरा क्या बना रही हो, आधे घंटे दरवाज़ा नहीं खोला, मैं और निक्कू बाहर बैठे रहे कल सीढ़ियों पे, क्यों निक्कू? हम लोग बाहर ही बैठे थे। हाँ तो ये था, तो आज बस अभी इफ्तार की तैयारी चल रही है। एंड हाँ क्या बोलो, ऐसा पहली बार हुआ है? कई बार ऐसा हुआ है कि मैं इससे बात की है कि हाँ दीपी बस मैं पहुंच रहा हूँ, मैं 5 मिनट पहुंच रहा हूँ, गेट पे हूँ या यहीं आसपास ही हूँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ लेट नाइट जब कभी कहीं मुझे जाना होता है काम से, एंड हाँ ठीक है आ जाओ, एंड 10 मिनट में ऊपर आया हूँ मैं, घोड़े बेच के सो जाती है।
लेकिन इतना मैंने आपको कभी, मैं उठ जाती हूँ, देखो ये है, मैं एक फोन पे फोन कर रहा हूँ, दूसरे फोन पे फोन कर रहा हूँ, देव है नहीं, 20 मिस्ड कॉल्स थे जब मैं 20 मिस्ड कॉल एक फोन पे होंगे, मैं इतनी कूल थी, मैंने उठ के ऐसे देखा, आ गए, और 20 मिस्ड कॉल एक फोन पे होंगे, हाँ, अलग पे दूसरे होंगे, एनीवेज चलो हम इफ्तारी की तैयारी करते हैं अभी, मैं के लिए बिजी हो गई थी, कोई मतलब है शूट करके डालना तो 15 दिन के बाद ही है, नहीं मैं आज ही डालूंगी या कल डाल दूंगी मैक्सिमम, ये बहुत गलत बात है, देखो अब तो ईद का सब आ गया, मैंने सोचा है कि हमेशा चालू रहती है, आप जाती हो, चांद रात को निकलती हो, तो इस बार रेहान तुम में चले, सही में हाँ। चले। ये जाएगी दीपिका, देखा दीपिका तो नहीं जा पाएगी क्योंकि रुहान है, सारी चीजें हैं, तो वहाँ पे वो खत्म, बट ठीक है चलते हैं, आप कर लेना शॉपिंग, हम खड़े रहेंगे, कल चांद रात नहीं होगी, हाँ। अगर हो गई तो बुला लो, नहीं भी हुई तो परसों, तो फिर दोपहर तो में बुला लेती, फिर उस टाइम वो चांद रात बदलना, कुछ काम हो जाता कुछ नहीं हो पाता, फिर सही हो, उसी में लगे रहा, हाँ, तो कल दोपहर में बुला देती, ठीक है, दो जोहर बाद, हाँ लेके चलना पक्का, कहाँ रुकोगे तुम, कार नहीं ना जाएंगे, दुकान में चलेंगे, गाड़ी में नहीं बैठते थे ना, शांतिनगर में मिलेंगे, चूड़ी कहाँ मिलती है, चले जहाँ चलेंगे, दोनों जगह देख लेंगे, आप जाती हो ना हर बार, हाँ बता देना, क्या बना हुआ जी, क्या बना हुआ जी, कौन जी, ब्लू प्ले का कौन, मेहंदी, हाँ आपको मेहंदी डाल के खिलाऊंगी मैं, किसके साथ खेल रहे हो, हाँ हाँ भाई, आज हमारी इफ्तारी की तैयारी, और आज हमारे घर इफ्तार में कौन आ रहा है, अम्मी कौन आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, आ भी गए चलो सो जाओ अभी, आप एक बज रहा है, आपकी बिरात खराब हो गई है, ये देखो रुहान का कुर्ता छोटू शाह, ओले माशाल्लाह, ये पहनेगा ईद की सुबह, हैं ये पहनोगे आप, हैं जमील भाई की भी आदत पड़ गई है क्या, कि जो भी आपके लिए जाता है वो उसमें से स्पेशली जो थोड़ा सॉफ्ट हो, हाँ। वो उसमें से इसका निकाल ही देते, निकाल ही देते आधे मीटर भर तो लगता है, है हंस रहा है देख के, अच्छा है ये आपका, हाँ ये कल रात पहनोगे ना आप, कल दिन में पहनूंगे पूरा, हाँ ये आपका, ये पापा का सुबह नमाज का ना, हाँ और ये आपका सुबह नमाज का, सेम रुहान, दे ताली सेम दे शाम का ना, शाम पापा को इस बार मिरर वर्क लिया था हमने, यस हाँ, और अभी आप ही देना, हाँ कि पापा ये देख के बोलने वाले हैं इतना, और आप बोलोगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है पहन ले, है ना ऐसे बोलेंगे ना दादू, है ना, हाय क्या सोच रहे हो, नहीं आई तो आज ये भी जगह हुआ है स्पेशली, वरना इस टाइम तक ये सो जाता है,
है, लेकिन आज पता नहीं क्यों जगा है, क्योंकि उसको भी लग रहा है शायद आखिरी चाहिए आज, सो जा बेटा। तो बस ये अभी ईद के कपड़े जो है वो आ गए हैं, ईद के मतलब हाँ फिर से आ गए हैं। एंड बस यार आज आखिरी सहरी होगी, उसका वेट कर रहे हैं, डेढ़ बज चुका है आज, सोया नहीं है अभी तक, डेढ़ बजे तक यूजुअली सो जाते हो ना आप। हाँ आ गए ये गोद में, हाँ आ गए आप गोद में। हाँ तो माशाल्लाह बस आज लास्ट रोज़ा है, कल यहाँ पे इंशाल्लाह चांद रात होगी और कल गल्फ साइड में ईद होगी। तो जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, जो आज ईद मना रहे हैं, उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो चला गया है रूहान अभी सोने के लिए, दीपिका उसको ले गई है, और बस यस आज लास्ट सहरी है। एक महीना कैसे गुजरा है पता नहीं चला है। आई थिंक जो भी मुझसे मिल रहा है हम सब यही बात कर रहे हैं, ये सबसे फास्ट ये रमज़ान का महीना जो है वो बीता है। बस कुछ नहीं, अब भी इंशाल्लाह जितना ज़्यादा खुशी होती है ईद के आने की, उससे कहीं ज़्यादा गम होता है हमेशा के। रमज़ान का महीना जो है हम तो जा रहा है अब अगले साल, कभी पता नहीं नसीब में है कि नहीं है, ज़िंदगी है कि नहीं है, क्या है कैसा है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबको हिफाजत से रखे, और सब में जो भी इबादतें करी हों उसको कबूल करें। आप सब भी दुआ में याद रखिएगा। हो गया है 3:43 और लास्ट सहरी, लास्ट सहरी जो है वो बन रही है, फिर से ये नहीं होगा। कैसा लगता है ना सच में यार, कुछ ही बोलो, कुछ ही बोलो कि रमज़ान का महीना पूरा ऐसा होता है ना, नूर का, रहमतों का, मतलब एक अलग ही नूर, अलग ही रौनक, अलग ही सिक्योरिटी महसूस सी होती है, क्यों होता है, कब से बोलो सुना हो जाएगा। क्या याद कर रही थी, क्या याद कर रही थी, अच्छी लग रही ना, दीपिका लगवाएगी ना, टाइम मिलना चाहिए उसको, बस थोड़ा सा हाल रखवाएगी वो रूहान के, बस थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे रूहान को, थोड़ी सी लगा लीजिए, रिजल्ट लगाएंगे। क्या दाल? हाँ और फल। हाँ आज ऊपर काटेंगे सब। तो चलिए इस व्लॉग को मैं करता हूँ अभी एंड, और अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, आज लास्ट इफ्तार है तो उसके सबकी तैयारी करते हैं। ये सब आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ये वाला चांद रात वाला इंशाल्लाह। और अभी मैं बस ये वाला व्लॉग जल्दी सेंड करता हूँ, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह चांद रात के और ईद के व्लॉग्स में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मज़े आओ करिए, सही चीज़ करिए, चीज़ नहीं करें उसको प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, लग बताइए, हंसी मजा कीजिए, सबको दुआ में याद रखिए। लव यू गाइस, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।